तशरी है, गलियों में पानी खड़ा हुआ है और बच्चे यहाँ पे ना दौड़े लगा रहे हैं। आज अब्दुल रफे पीछे रह गए हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज है जी ईद उल अज़हा का दिन और तमाम मुस्लिम उम्मा को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद पढ़ के आ गए हैं जी वापस और अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी भी हो चुकी है क्योंकि भाई ने ऑलरेडी पहले ही ईद पढ़ ली थी किसी और मास्क में, तो इस वजह से कसाई को टाइम दिया हुआ था। यूजली तो ऐसा होता है पिछली जो लास्ट ईद जो गुजरी हैं उनमें 11-12 बजे हमारी बारी आती है, लेकिन इस दफ़ा हमारी बारी पहले आ गई। तो जो आपने बकरे देखे थे पिछले ब्लॉग्स में देखे होंगे, तो दोनों वो पिछले 20 दिन से हमारे घर पे आए हुए थे और उनकी कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। तो मैं अभी 15-20 मिनट पहले ही ईद पढ़ के आया हूँ। तो अभी बजे हैं जी 8, तो अभी कुछ देखते हैं, सवैयाँ वगैरह खाते हैं और देखते हैं कि और क्या चीज़ बनी है। ये आ गया जी अब्दुल रफ़े रेडी हो गया है और इसने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और हाथ में क्या पकड़ा हुआ है दिखाओ। ये तो एक है जो इसे पॉकेट में डालो, पॉकेट में, हाँ पॉकेट में डालो। ये रोहान इधर बैठा हुआ है और सवैया खा रहा है। रोहान भी ऑलरेडी रेडी हो चुका है। रोहान आपकी ईदी किधर है जो दादो ने दी थी, थोड़े होके दिखाओ ज़रा कैसे लग रहे हो। हाँ अच्छा लग रहा है। किधर आई थी तुम्हारी, पॉकेट में डाली हुई है? अच्छा। और ये हैं जी मेरी सवैयाँ बल्कि फेंडियाँ। ये अयान भी इधर रेडी होके आ गया है। और ये यार क्या खा रहे हो? और अयान देखो कैसा लग रहा है, अयान सवैयाँ खा रहा है। क्या चीज़, क्या आप चीज़ लेने जानी है? कहाँ से? मीठी मीठी सवैयाँ खाने के बाद मैं आ गया जी घर से बाहर और मेरे हाथ में है जी कुर्बानी का गोश्त और मैं ये अपने रिलेटिव्स और दूसरे लोगों के घरों में देने के लिए जा रहा हूँ। अभी गोश्त वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके मैं आ गया था वापस घर। फ़िलहाल तो ये पीछे रोहान और हसन वगैरह खड़े हुए हैं और ये पता नहीं कहाँ पे कह रहे हैं जाना है। कहाँ पे जाना है? उधर पार्क में, उधर इस गली में जहाँ झूला है, जहाँ पे झूला है अभी। उधर तो ये रात की क्योंकि बारिश हो गई है, तो जिस तरह लास्ट छोटी ईद पे मौसम बहुत अच्छा हो गया था ना, तो वैसे ही मौसम हो गया है अब फिर से। तो इस वजह से बाहर जो है ना पानी है थोड़ा बहुत, तो वहाँ तो पानी है। हम साइड साइड से गुजर जाएंगे। चलो अभी देखते हैं फिर। अभी मैं पहले ना देखता हूँ चाट खा लूँ, चाट बनी है बड़ी मज़ेदार। आप लोगों ने खा ली है? हैं नहीं खाई? अब्दुल रफ़ी आपने खाई है? नहीं। क्या चाट नहीं खानी? खानी। ये आ गई जी चना चाट और साथ में इसके शकरकंदी। और अब्दुल रफ़ी मेरे पास बैठा है, आपने खानी है चाट? हाँ। तो इसमें मिर्ची है, मिर्ची लगेगी। खानी है? अच्छा चलो ठीक है। फिर ना कह रहा कि मुझे मिर्ची लगी है, मुँह देखो कैसे कर रहा है। अभी से मिर्ची लग रही है, हाय मज़ा। पॉइंट तो नहीं पीना तो पी जाओ जाके। अभी लेनी है ईद? हाँ। तो पहले आपके तो पास थी तो सही। नहीं मुझे ना। क्यों बहुत ने ईद उसकी ईद ले ली थी। ले किसने ली है? इसने चीज ले ली, उसकी जूस ले लिया और बबल्स ले लिया। अभी तो इसके पास इतने ज्यादा से, तो वो कहाँ चले गए? अच्छा चलो ये लो, चलो ये पॉकेट में डाल लो, अब गिर ना जाए। क्या पकड़ो यार, वीडियो बना रहा है। ये लो यार, ये आपकी। रात की बारिश की वजह से अभी तक ये पानी खड़ा हुआ है और ये बच्चे उधर को जाने के लिए बजे दें कि हमने जाना ही जाना है, कहीं मुझे भी साथ ही ना गिरा दें। चलो चलो चलो, मुझे भी साथ ही ना गिरा देना, खिचड़ी इतना ज़्यादा हो गया।
रात की बारिश की वजह से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है। ये देख ले कि पहले 40 डिग्री था, तो अब इस वक्त हमने चेक किया है तो 25 डिग्री टेम्परेचर है। इतना फ़र्क पड़ गया है रात की बारिश से, और मौसम तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। बच्चे इधर झूले लेने आए थे, तो ये पीछे चेक करें, यहाँ पे पानी पानी है और यहाँ पे झूले का नामो निशान नहीं है। ये बच्चों का पोपट हो गया। हाँ जी, अब कहाँ से झूले लेने हैं, झूले तो झूले वाला तो खड़ा ही नहीं है आज। आज देखो ये पानी कितना है, पानी बहुत ज़्यादा है। ये दाऊद साहब इधर खड़े हैं जी, वो क्या था कि ये जिन पकड़ते पकड़ते अब आज ईद मना रहे हैं। दाऊद आज आपके जिन किधर है? अच्छा, तो और बच्चे फिलहाल ये ईद ऐसे मना रहे हैं, कपड़े वगैरह पहन लिए, बारिश हुई है, गलियों में पानी खड़ा हुआ है, और बच्चे यहाँ पे ना दौड़े लगा रहे हैं। अभी टाइम हो गया है 10:49, और दाऊद साहब आए बैठे हुए हैं, और साथ में फिर ये चना चाट चल रही है। खाओगे आप लोग? ईद वाले दिन तो यही कुछ चलता रहता है सारा दिन, कभी चना चाट होगी, कभी अब तो मटन बनाना, तो कभी मटन चलेगा। दाऊद क्यों, ऐसा ही नहीं है? ऐसे ही। तो आप लोग बताएं क्या क्या खा रहे हैं कमेंट्स में भाई फाल को। अभी फ़िलहाल धूप निकल आई है, लेकिन मौसम में वो तल्खी नहीं है जो पिछले 8-10 दिन में थी। तो मौसम फ़िलहाल ठंडा है, सुबह से तो बादल हो रहे थे क्योंकि रात को बारिश हुई थी, तो अभी धूप निकल आई है, लेकिन जो पंखों की हवाएं हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो गई हैं। मौसम ईद वाले दिन का काफ़ी बेहतर है। 2:10 हो गए, तो अभी वक्त हुआ चाहता है लंच का, चलें लंच करते हैं, और बच्चे अभी सो रहे हैं। लंच में है बकरे की कलेजी और साथ में रोटी। मुअज़्ज़म ज़ुबैर और अहमद इस वक्त आए हैं जी मेरी तरफ, और ये इधर लूडो चल रही है। अब्दुल रफ़ी चलो, इधर बारी चलो, बारी चलो, बारी चलो, बारी चलो, चलो 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 चलो। कितने आए? वाह, गोटी खुल गई है। 6,000। क्या पी रहे हो यहाँ? बोतल। अच्छा, अभी इस वक्त खड़े हैं जी बाहर, तो ये बाइक वगैरह निकाल ली है, और ये दाऊद खड़ा हुआ है, और बाकी ये बच्चा पार्टी, ये सुबह से रेडी हुए हैं जू जाने के लिए। सुबह क्योंकि धूप थी ज़्यादा, तो इस वजह से गए नहीं, तो अभी मौसम बेहतर हो गया है, 5 बज गए, तो अभी हम जू निकल। दाऊद परेशान क्यों खड़े हो यार? गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, पता नहीं। अच्छा, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही? जो एक दफा देखा हो यार, शायद गाड़ी बच्चों ने किधर रख दी है। हाँ जी बच्चों, आपने तो नहीं घुमाई चाबी? अब क्या करें भाई? हुआ फिर ये बाइक है, बाइक भी चलते हैं अब सारे। हम नहीं, एक बाइक तुम ले आओ ना, बाइक तुम्हारी आ जाएगी। हाँ, फिर निकलते हैं। अभी इस वक्त पहुंच गया है जू में, और बच्चे ये सामने यहाँ पे ये लाइन है, और बच्चे इसे देख के काफ़ी एक्साइटेड है। हाँ जी अब्दुल रफ़ी, शेर देख लिया अब? और देखना है। क्या देखना है? और बंदर। बंदर तो वो मंकी तो आगे है। अजान शेर के पास तो नहीं जाना? रहन दो खाजी। हम किधर? अंदर? नहीं नहीं, अंदर नहीं जाना। नहीं, उधर गेट है, उधर। अंदर अंदर तो खतरा है ना, अंदर नहीं। नहीं, इधर इधर। मैं कौन सा अंदर जाने की बात कर रहा हूँ।
ईद की वजह से ना आज काफ़ी ज़्यादा रश है इधर, तो आवाम जो है वो देख लें यहाँ पे साथ वाले जो सराउंडिंग गांव हैं वहाँ से आ रही है, शहर सिटी से आ रही है। क्या हुआ है, डर लग रहा है? वो पीछे देखो, वो मोर देखो ना अपने, वो देखो। क्यों मोर क्यों नहीं देखना? मेरे ऊपर पाऊंगा। वो तेरा गिर ना जाना, चला जाओ तेरा। आ जाओ अब्दुल रफे, पीछे रह गए हो। सबसे ज़्यादा रश या तो जंगल के बादशाह शेर के पास था या फिर ये रीच के पास था। ये देखिए ये रीच, ये खड़ा हुआ है और आवाम यहाँ पे। क्या चीज़, क्या कह रहे हो अब्दुल रफे? अब्दुल रफे किधर? यहाँ पे, यहाँ पे पीछे वो मोर है। अब्दुल रफे देखा है आपने फिर रीच? किधर गया अब्दुल रफे? ढूंढ रहा है किसी को। किधर है? खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा है। मिल नहीं रहा अंदर आके। ये बच्चा पार्टी है, यहाँ पे छोटी सी एक पहाड़ी टाइप बनाई हुई है तो वहाँ पे चढ़ गए अयान, हसन और रोहान। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ अब्दुल रफे, ये अब्दुल रफे भी आ रहा है। आ जाओ आ जाओ ऊपर चढ़ जाओ। चलो अब इधर वापस आ जाओ फिर। क्या कर रहे हो? क्या ये सींग है इसका? हाँ ये सींग है, ये बारा सिंगा कहते हैं इसे। बकरी नहीं है ये, बारा सिंगा है। हाँ यान मज़ा आया इधर जू में आके? मज़ा आया इधर। अच्छा छोटा सा तब तो पता नहीं था इन चीज़ों का और अब पता चल गया तो। अच्छा कौन 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 सी देखी है अब चीज़? अच्छा अभी भी आप छोटे। उससे हम वापस आ गए थे तो वहाँ पे बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया और वहाँ से वापस आके खाना वगैरह खाया तो एक आध दो दोस्त रहता था जिससे ईद मिलने के लिए गए थे, तो वहाँ से ईद मिलके अभी वापस आए हैं। तो वापस आके मैंने अभी थोड़ी देर पहले नहाया तो टाइम हो गया जी 11 बज गए और सोने का टाइम हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का एक्साइटिंग ईद का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़। Face to face.